रिसेंट टाइम में चल रही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कि आखिर कौन है सॉन्ग हर हर शंभू का रियल सिंगर, उसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज निकल के सामने आई थी। तो अब एक फाइनल डिसीजन सामने आ चुका है। सॉन्ग के राइटर जीतू शर्मा ने दिया बड़ा बयान एंड उसके ऊपर लिया यूट्यूब ने एक एक्शन। क्या है पूरी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। तो जैसा हमने वीडियो बना के आप सबको बताया था कि हर हर शंभू सॉन्ग के ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जिसके अंदर दो सिंगर्स क्लेम कर रही है कि ये सॉन्ग उनका है, जिसके अंदर पहली सिंगर तो फरमानी नाज थी एंड उसके बाद अभिलाषा पांडे ने क्लेम किया था कि ये उनका सॉन्ग है। अभी तक कुछ क्लियर हो पाना मुश्किल था कि ये सॉन्ग किसका है। बहुत से मीडिया पोर्टल्स उस सॉन्ग को फरमानी नाज का बता रहे थे तो कुछ मीडिया पोर्टल उसे अभिलाषा पांडे का भी बता रहे थे। तो अब जीतू शर्मा जो इस सॉन्ग के राइटर है उन्होंने आज तक के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज से कि फरमानी नाज ने उनका सॉन्ग गाया, लेकिन सिर्फ वो क्या चाहते थे कि उन्हें क्रेडिट दिया जाए, जो प्रॉपर क्रेडिट उनका बनता था उस सॉन्ग का उसको देना चाहिए था, ना कि उनको ये बोलना चाहिए था कि ये उनका सॉन्ग है। अगर वो क्रेडिट देते तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो भले चाहे कोई भी सिंगर उस सॉन्ग को गाए। लेकिन जीतू शर्मा ने ये भी क्लियर आउट किया कि उन्होंने ये सॉन्ग अभिलाषा पांडे के साथ ही रिकॉर्ड किया था, ओरिजिनल सॉन्ग उनका है। तो जब जीतू शर्मा ने अपने सॉन्ग के ऊपर क्लेम की बात की तो यूट्यूब ने एक्शन लिया एंड अब हर फरमानी नाज का हर हर शंभू गाया हुआ सॉन्ग यूट्यूब से हटा दिया गया है। आज तक ने भी इसके ऊपर एक पोस्ट डाली जिसके अंदर आज तक ने लिखते हैं हर हर शंभू गाना गाकर सुर्खियों में आई फरमानी नाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फरमानी नाज के यूट्यूब अकाउंट से हर हर शंभू गाना हटा दिया गया है। हर हर शंभू गाना जीतू शर्मा द्वारा लिखा गया था जिसे उन्होंने अभिलाषा पांडे से रिकॉर्ड कराया था। तो अभी के लिए तो ये क्लियर आउट हो चुका है कि जीतू शर्मा इस सॉन्ग के राइटर थे एंड उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभिलाषा पांडे से ही ये गाना गवाया था। उसके बाद फरमानी नाज ने गाया ये सॉन्ग, उनसे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो उनको क्रेडिट दे देती तो। आगे क्या अपडेट्स होंगी इस सॉन्ग से रिलेटेड, क्या फरमानी नाज अभी भी ये क्लेम करेंगी कि ये सॉन्ग उन्हीं का था एंड जीतू शर्मा का एलिगेशन गलत है, एंड क्या वो इस केस को आगे लड़ना चाहेंगे या नहीं, उसकी अपडेट भी हम आप तक जरूर लेके आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।